हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल हैं। तो इसमें बात करें तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर हैं इसके अंदर। वो इस तरह से हैं 8 चैप्टर। पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन। और तीसरा चैप्टर है वो है इसके अंदर सर्कुलेशन। फिर चौथा चैप्टर है वो है एक्सक्रेशन। ये चारों चैप्टर है वो एकदम सीक्वेंस में है कि सबसे पहले फूड को खाएंगे, फिर ऑक्सीजन लेके के उसको ना पचाएंगे बॉडी के अंदर, फिर बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करेंगे, फिर यूरिया के द्वारा उसको एक्सक्रीट करेंगे। ये पूरा एक सिस्टेमेटिक तरीका है इसको। फिर इसके बाद में आता है इसको कौन कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, तो वो है न्यूरॉन सिस्टम। फिर न्यूरॉन कैसे होता है, वो मैसेज कैसे भेजता है, ये बात करने के लिए है ना अपन के पास। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एंडोक्राइन, या इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन सिस्टम। फिर इसके बाद में आता है लोकोमोशन। और फिर जो लास्ट चैप्टर है वो एक तरह से बहुत बड़ी यूनिट भी है अपने आप के अंदर एक, और वो यूनिट की कैटेगरी में आती है और उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। वैसे ये एम्ब्रियोलॉजी दो चैप्टर के अंदर डिवाइडेड है। तो फर्स्ट चैप्टर वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और सेकंड चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन कौन से काम आते हैं और कितना इसमें सभी लगता है।